नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूं लेखक स्वयं प्रकाश द्वारा लिखी गई कहानी जिसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कस्बे में एक छोटा सा बाजार था। बच्चों का एक स्कूल था, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था, दो सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका कस्बे में हमेशा कुछ ना कुछ काम करती ही रहती थी, जैसे कभी सड़कों को पक्का करना, कभी शौचालय बनाना, कभी कबूतरों की छतरी बनाना और कभी कभी तो कस्बे में कवि सम्मेलन का भी आयोजन करवा देती थी। एक बार नगर पालिका के एक प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक मूर्ति लगवा दी। नगर पालिका के पास इतना बजट नहीं था कि वह किसी अच्छे मूर्तिकार से नेताजी की मूर्ति बनवाते, इसलिए उन्होंने कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्रॉइंग मास्टर मोतीलाल जी से मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया, जिन्होंने नेताजी की मूर्ति को महीने भर में ही बनाकर नगर पालिका को सौंप दिया। मूर्ति सिर्फ 2 फुट ऊंची थी, लेकिन नेताजी फौजी वर्दी में बहुत सुंदर लग रहे थे। उनको देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे जोश भरे नारे याद आने लगे। मूर्ति में बस एक ही चीज की कमी थी और वह कमी यह थी कि नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। शायद मूर्तिकार चश्मा बनाना ही भूल गया था, इसलिए उसने सचमुच का एक चौड़ा फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया। जब हालदार साहब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर जाकर पान खाने के लिए रुके, तो उन्होंने पहली बार मूर्ति पर चढ़ाए गए सचमुच के चश्मे को देखा और फिर वे मुस्कुराकर बोले, वाह भाई, यह उपाय भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की है पर चश्मा सचमुच का है। कुछ दिन बाद जब हालदार साहब दोबारा उधर से गुजरे, तो उन्होंने मूर्ति को गौर से देखा। इस बार मूर्ति पर मोटे फ्रेम वाले चौकोर चश्मे की जगह तार का गोल फ्रेम वाला चश्मा था। कुछ दिनों बाद जब हालदार साहब तीसरी बार वहां से गुजरे, तो उन्होंने मूर्ति पर फिर एक नया चश्मा देखा। अब तो हालदार साहब को आदत सी पड़ गई। वे हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुककर पान खाते थे और फिर मूर्ति को बड़े ध्यान से देखते थे। एक बार उन्होंने चौराहे पर रुककर पान वाले से पूछा, नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? पान वाले ने अपने मुंह में पान रखते हुए बोला, यह काम कैप्टन का है जो हर बार मूर्ति का चश्मा बदल देता है। पान वाले से काफी देर तक बात करने के बाद हालदार साहब को पता चल गया कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है और उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध चश्मों में से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जैसे ही उसके पास कोई ग्राहक आता है और वह नेताजी की मूर्ति पर चढ़ी चश्मे के फ्रेम के जैसे ही चश्मा मांगता है, तो कैप्टन नेताजी की मूर्ति से उस चश्मे को निकालकर ग्राहक को दे देता है और फिर मूर्ति पर तुरंत एक नया चश्मा लगा देता है। जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का असली चश्मा कहाँ है, तब पान वाले ने जवाब दिया, शायद ड्रॉइंग मास्टर नेताजी का चश्मा बनाना ही भूल गया। यह सुनकर हालदार साहब मन ही मन में कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति को देखकर नतमस्तक हो गए। फिर हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का पूर्व सिपाही है? फिर पान वाले ने कहा, नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है। हालदार साहब को पान वाले की यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन जब उन्होंने कैप्टन को पहली बार देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। एक बेहद बूढ़ा सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी था और आंखों पर काला चश्मा लगाया था। उसके एक हाथ में एक छोटा सा संदूक था और दूसरे हाथ में एक बांस का डंडा था जिसमें बहुत से चश्मे टंगे हुए थे। उसे देखकर हालदार साहब पूछना चाहते थे कि लोग इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, इसका वास्तविक नाम क्या है, लेकिन पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया। इसके बाद लगभग 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस चौराहे से गुजरते और नेताजी की मूर्ति पर बदलते चश्मों को देखते रहते थे।
लेकिन एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो नेताजी की मूर्ति की आंखों में कोई चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? फिर पान वाला बहुत उदास होकर बोला, साहब कैप्टन मर गया। यह सुनकर हालदार साहब को बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद हालदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे तो उस समय वह यही सोच रहे थे कि आज भी मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होगा, इसलिए वह मूर्ति की तरफ देखेंगे ही नहीं। पर अपनी आदत के अनुसार उनकी नजर अचानक नेताजी की मूर्ति पर पड़ी। हालदार साहब बड़े आश्चर्यचकित होकर मूर्ति के आगे जाकर खड़े हो गए। तभी उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना एक छोटा सा चश्मा था। आम तौर पर बच्चे सरकंडे के चश्मे को खेलने के लिए बनाते हैं। फिर हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।